आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बेरमो विधानसभा से इंडी गठबंधन समर्पित कांग्रेसी प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने तेनुघाट अनुमंडल में बेरमो एसडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। कुछ दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय चौक बनवाने को कहा था, क्या बनवा दिया? ताकि रविंद्र पांडे ने जितना पूजा नहीं किया उतना मेरे पिता और मैंने मंदिर बनवाया है। बेरमो से विकास सिंह की रिपोर्ट। मैं विकास के मुद्दे को लेकर जा रहा हूँ, अपने किए हुए कार्य को लेकर जा रहा हूँ, भारत के संविधान को बचाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। हम लोग सब मानव हैं, हम लोग सब इंसान हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने के लिए हम लोग चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश की है। हम लोग जाति धर्म के आधार पर या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर अपने जनता के बीच में नहीं आते। मुद्दा तो विपक्ष ने खुद अपना उम्मीदवार जिससे बनाया है, उन्होंने तो मुद्दा स्वयं दे दिया कि बेरमो की जनता किसे चुनना चाहती है। पर अगर आरोप लगता, मेरे घर में बीजेपी ने इनकम टैक्स रेट भी पढ़वाया, उसके बाद भी मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। ना मुझे कोई पेनल्टी हुई, ना मुझ पर दोष साबित हुआ, तो खाली विपक्ष के बोलने से नहीं ना हो जाएगा। कल नॉमिनेशन आज दाखिल हो गया है, नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद संपत्ति ब्यौरा आएगा, उसमें पांडे जी की कितनी हाइवा हैं, पांडे जी का कितना ट्रक चलता है, वो सब का ब्यौरा मिलेगा, अब तब पता चलेगा। जैसा कि आपके सचिन तेंदुलकर भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, मोदी जी भी हैं, तो जो ये कोई महत्व थोड़ी हुआ भैया, ये पिछले बार भी आरोप लगा था। आदमी काम करने पर विश्वास रखता है, जीत के प्रति कितना स्वस्थ। और पांडे जी को बोलिए मेरे सामने संविधान की बात कर ले, मेरे से तर्क कर ले, किसी भी भाषा में कर ले, मैं करने के लिए तैयार। जीत के प्रति कितना स्वस्थ? बहुत अस्वस्थ हूँ।